नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुबह खाली पेट गुनगुना पानी के साथ हल्दी मिलाकर पीने के फायदे, हल्दी के पानी बनाने के तरीके, साथ ही इसमें कुछ बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, हल्दी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे स्वास्थ्य को कई अद्भुत लाभ मिलते हैं। खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए भी भारत में हल्दी का इस्तेमाल खूब किया जाता है। हल्दी को भोजन या दूध में नहीं बल्कि गर्म पानी में भी मिलाकर पीने से स्वस्थ रहा जा सकता है। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है और इसमें सूजन रोधी एवं बैक्टीरिया रोधी गुण भी होते हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि गर्म पानी में हल्दी मिलाकर पीने से क्या लाभ होता है और किस समय पीने से आपको इसके सबसे ज्यादा लाभ मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहले गर्म पानी में हल्दी मिलाकर पीने के फायदे के बारे में। दिमाग को तेज बनाता है। गुनगुना हल्दी वाला पानी पीने से दिमाग तेज होता है। सुबह के समय हल्दी का गुनगुना पानी पीने से दिमाग तेज और एक्टिव होता है। जलन और सूजन को कम करता है। शरीर में किसी भी तरह की सूजन हो और वह किसी दवाई से ठीक ना हो रही हो तो आप हल्दी वाला पानी का सेवन करें। हल्दी में पाया जाने वाला कुरकुमिन तत्व सूजन और जोड़ों में होने वाले असहाय दर्द को ठीक कर देता है। सूजन की अचूक दवा है हल्दी का पानी। लीवर फंक्शन को सुधारता है। लीवर की समस्या से परेशान लोगों के लिए हल्दी का पानी किसी औषधि से कम नहीं है। हल्दी के पानी में टॉक्सिस लीवर के सेल्स को फिर से ठीक करता है। हल्दी और पानी के मिले हुए गुण लीवर को संक्रमण से भी बचाता है। हार्ट प्रॉब्लम का इलाज। हार्ट की समस्या से परेशान लोगों को हल्दी वाला पानी पीना चाहिए। हल्दी खून को गाढ़ा होने से बचाती है जिससे हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। सौंदर्य बढ़ाने में कारगर है। जब हल्दी के पानी में नींबू और शहद मिलाया जाता है तब यह शरीर के अंदर जमे हुए विषैले पदार्थों को निकाल देता है जिसे पीने से शरीर पर बढ़ती हुई उम्र का असर नहीं पड़ता है। हल्दी में फ्री रेडिकल्स होते हैं जो सेहत के साथ सौंदर्य को भी बढ़ाते हैं। डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। हल्दी का इस्तेमाल काफी समय से पाचन क्रिया को सुधारने के लिए किया जा रहा है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व इसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा ब्लेटिंग और गैस की प्रॉब्लम भी हल्दी के सेवन से दूर होती है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। हल्दी एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल जैसे तत्वों से भरपूर होता है। अगर आप रोजाना गुनगुने दूध में हल्दी मिलाकर पीते हैं तो सर्दी जुकाम कई तरह के इन्फेक्शन के साथ ही कैंसर जैसी बीमारियों की संभावनाओं को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। मोटापा कम करता है। हल्दी का सेवन करके आप मोटापे की समस्या से भी निजात पा सकते हैं। इसका करक्यूमिन तत्व बॉडी में आसानी से घुल जाता है और शरीर में फैट बढ़ाने वाले टिश्यू को बनने से रोकता है। दर्द से राहत। हल्दी शरीर के किसी भी अंग में होने वाले दर्द को दूर करने में कारगर साबित होता है। हड्डी टूट जाने पर मूंछ आने या किसी अंदरूनी चोट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए गुनगुना पानी में हल्दी मिलाकर पीना बहुत ही फायदेमंद होता है। वैसे हल्दी LDL कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है जिससे हृदय संबंधी रोग का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। बढ़ती उम्र के असर को कम करता है। हल्दी के रोजाना इस्तेमाल से आप बढ़ती उम्र के असर को भी कम कर सकते हैं। फेस पैक में इस्तेमाल करने के साथ ही गुनगुना पानी में मिलाकर पीना भी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जानते हैं दोस्तों, हल्दी का पानी कब पिए। अगर आप हल्दी के पानी के भरपूर लाभ पाना चाहते हैं तो रोज सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। सुबह के समय इस पानी को पीने से आपको सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। कैसे बनाएं हल्दी का पानी। हल्दी का पानी बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। एक गिलास पानी ले और उसे उबलने के लिए गैस में रख दे। अब इसमें एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालें और अच्छी तरह से मिक्स कर ले। स्वाद के लिए आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं। इस पानी को रोज सुबह खाली पेट पिए। दोस्तों, इन बातों का रखें ध्यान। कुछ स्थितियों में हल्दी का पानी पीने को लेकर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी वरना इसकी वजह से कुछ हानिकारक प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। अगर आपको पथरी या पित्तवाहिका में अवरुद्ध की परेशानी है तो हल्दी के पानी से यह समस्या और बढ़ सकती है। हल्दी खून के थक्के बनाने की प्रक्रिया को धीमी कर सकती है और इससे चोट लगने पर अधिक ब्लडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। सर्जरी आदि करवाने पर कम से कम 2 हफ्ते पहले हल्दी का पानी पीना बंद कर दे। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन ब्लड शुगर लेवल को बहुत कम कर सकता है, इसलिए डायबिटीज के मरीज सावधानी पूर्वक इसका सेवन करें। हल्दी के अधिक सेवन के कारण शरीर में आयरन का अवशोषण रुक सकता है। यदि आपको आयरन की कमी है तो हल्दी का सेवन कम करें। इस प्रकार हल्दी का पानी आपकी कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर कर सकता है और स्वस्थ रहने का ये बहुत आसान एवं प्रभावशाली तरीका भी है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी पसंद आया, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें,
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।